हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर वॉशिंग, सर्जिंग और टर्बोचार्जर क्लियरेंसेस की। तो टर्बोचार्जर एफिशिएंसी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बाइन एफिशिएंसी, सेकंड ब्लोवर एफिशिएंसी और थर्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। इफ देयर इज अ फाउलिंग इन द टर्बाइन साइड सच एज वहाँ पे आपके कार्बन डिपॉजिट्स हैं टर्बाइन ब्लेड्स पे नोजल रिंग के पास, तो उसकी जो एफिशिएंसी वो ड्रॉप होगी। सिमिलरली अब ब्लोवर एफिशिएंसी कब कम होगी, जब आपका अगर फिल्टर चोक्ड है, अगर आपकी एयर अंदर सक नहीं कर पा रही है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो आपके मैकेनिकल पार्ट्स शाफ्ट घूम रही है, बेयरिंग लॉसेस हैं, इन सब में आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। तो इस समय पता लगता है कि जो क्लीनिंग है हमारी टर्बोचार्जर की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम करते हैं आपकी वाटर वॉशिंग और ग्रिट वॉशिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द टर्बाइन साइड वाटर वॉशिंग। तो प्रोसीजर है कि आपने ब्रिज से परमिशन ली, आरपीएम रिड्यूस किया, जो टर्बोचार्जर का इनलेट टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा 200 डिग्री सेल्सियस तक, और टर्बोचार्जर की आरपीएम होगी इट विल बी अराउंड 2000। सो वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स आफ्टर रिड्यूसिंग द लोड। वाटर वॉशिंग आप कॉक खोलेंगे, उसके बाद ड्रेन कॉक खोलेंगे, फिर वाटर वॉशिंग स्टार्ट करेंगे फॉर 20 मिनट्स एटलीस्ट। और तो कुछ फिर आपका जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा और कुछ आपका ड्रेन के थ्रू नीचे आएगा। वंस क्लीन वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम ड्रेन, स्टॉप द वाटर वॉशिंग एंड स्लोली इंक्रीज द आरपीएम। देन यू कैन सी द ग्राफ हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोड डिक्रीज किया फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स स्लोली, और फिर लो लोड पे आपने शिप को चलने दिया फॉर 10 मिनट्स एंड देन यू स्टार्टेड द वाटर वॉशिंग फ्रॉम हेयर। सो टेक योर टाइम। आपने दोनों कॉक खोल रखे हैं, कुछ वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कुछ ड्रेन हो रहा है, और वाटर वॉशिंग जैसे ही आपका क्लीन वाटर यहाँ पे मिला आपको, आपने क्या कहते हैं उसको ड्राई लोड पे चलने दिया, फिर आपने स्लोली बाद में आपने अपना लोड इंक्रीज़ किया। तो दिस इज़ द ग्राफ। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज ऑफ द ड्राई क्लीनिंग, डेट इज़ द ग्रिट वॉशिंग। इसको हम करते हैं ड्राई वॉलनट शेल्स से, काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं ये, और इसके लिए हमें काफ़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आरपीएम शिप की, तो हमें ब्रिज से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे ग्रिड्स को चैम्बर में टर्बोचार्जर के, उसके बाद हमने एयर कॉक और सप्लाई कॉक टर्बाइन को ओपन किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें कि क्लीनिंग थोड़ी कम होती है इन रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें टर्बाइन साइड वाटर वॉशिंग की, तो बट द कोरोजन एंड द थर्मल स्ट्रेस विल बी वेरी लेस। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है और ये होती है आपकी हर ऑल्टरनेटिव में होती है मेजरली। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम देखते हैं ब्लोवर साइड की वाटर वॉशिंग का। ये आपकी फुल स्पीड में होती है और फ्रेश वाटर से करेंगे अंडर प्रेशर। देन वी विल कम टू द टर्बोचार्जर फॉल्ट्स। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉल्ट्स इज सर्जिंग। सी, हम लोग बेसिक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये आपका प्रेशर P1 हो गया, ये आप पे P2 ब्लोवर के बाद, और ये एयर कूलर के होते हुए यहाँ पे जब स्केवेंज मैनिफोल्ड जा रही है तो यहाँ पे आपका हो गया P3 प्रेशर। ओके, सो अब नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी एयर फ्लो करेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करेगी। ठीक है, तो P2 विल बी हाई एंड P3 विल बी लो, सो फ्लो ऐसे हो रहा है इधर की साइड, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि सर्जिंग में क्या होता है, P3 हमारा ज़्यादा हो जाता है P2 के रिस्पेक्ट में, सो रिवर्स फ्लो हो जाता है और इसी को बोलते हैं हम सर्जिंग। पर ये होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा स्केवेंज मैनिफोल्ड्स के पोर्ट्स हैं, जो स्केवेंज पोर्ट्स हैं, मे बी वो चोक हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिपॉजिट जम हो सकता है। ठीक है, ये आपका सडन लोड चेंजेस हैं, वो हम आगे बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं उसकी। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो आपका स्केवेंज मैनिफोल्ड है, यहाँ पर पोर्ट्स लगे हैं, अगर यही आपके चोक हैं तो जो एयर आपकी यहाँ से आ रही है वो अंदर तो जा नहीं पा रही स्केवेंज मैनिफोल्ड के, इट इज़ कलेक्टिंग हेयर ओनली। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर हमारा बढ़ता जा रहा है, इस जगह पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि एयर इज़ कमिंग, जस्ट अ सेकंड, द एयर इज़ कमिंग हेयर एंड द प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग हेयर। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि P3 ज़्यादा हो जाएगा P2 से और तब आपका रिवर्स फ्लो टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो ये ग्राफ जैसे है आपका, इसमें आपका P2 by P1 प्रेशर रेशियो गिवन है और ये आपका मास फ्लो रेट है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो पे
एक क्रिटिकल वैल्यू होगी मास फ्लो रेट की, जिस के लेफ्ट हैंड साइड में हेयर ये आपका जो इतना भी है अनस्टेबल ऑपरेशन है सॉरी। तो अब ऐसे ही अगर हम वेरियस पॉइंट्स ले लें, यहाँ पॉइंट ले लिया, अलग अलग प्रेशर रेशियो पे पॉइंट्स ले लें और अलग अलग मास फ्लो रेट देखें, तो ये आपकी पूरी एक लाइन बन जाएगी और इसी लाइन को हम बोलते हैं सर्ज लाइन। तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन अनस्टेबल होगा और राइट हैंड साइड आपका ऑपरेशन आपका स्टेबल होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ सर्जिंग। सो इट कैन बी टर्बोचार्जर एफिशिएंसी ड्रॉप, टर्बोचार्जर फिल्टर पार्शियली चोक्ड, अगर स्कैवेंज फायर हो गई, सडन लोड चेंज सच एज बैड वेदर, अगर ब्लो पास्ट हो गया या फाउलिंग हो रखी है आपकी टर्बाइन और ब्लोवर साइड की और स्कैवेंज फोर्स चोक्ड है, तो इसमें एक्शन क्या लेंगे आप लोग? तो सबसे पहले आरपीएम रिड्यूस कीजिए, लोड रिड्यूस कीजिए और आपका जो क्लीन करिए जो भी फाउल्ड और डर्टी कंपोनेंट्स है, ठीक है, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए दोनों टर्बाइन ब्लोअर साइड की, और जब भी आप पोर्ट्स में जाएं तो उसमें आपको स्कैवेंज मैनिफोल्ड क्लीन करना चाहिए। और इफ़ेक्ट्स क्या होंगे सर्जिंग के, जो आपका जो रोटर होगा उसके काफ़ी टॉर्शनल स्ट्रेस पड़ते हैं और जो ब्लोअर हो सकता है उसके ब्लेड्स, टर्बाइन के ब्लेड्स, बेयरिंग, इन सब को डैमेज हो सकती है सर्जिंग से। सो इफ़ यू गो फर्दर वी विल टॉक अबाउट द टर्बो चार्जर क्लियरेंसेज। सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ क्लियरेंसेज, के, एल एंड एम। के क्लियरेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन रोटर शाफ्ट एंड एंड द बेयरिंग फ्लेंज कवर। ये देखिए एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए रोटर का शाफ्ट है, ये एक सेकेंड, ये देखिए रोटर का शाफ्ट है, दिस इज द रोटर शाफ्ट और दिस इज द बेयरिंग एंड कवर। तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा, इसको हम नॉर्मली के बोल दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम इसको नापने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टर्बोचार्जर का लूब ऑयल पंप होगा उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद जो रोटर का एक एंड होगा उसमें हम आई बोल्ट फिक्स करेंगे। अब एल क्लियरेंस फाउंड करने के लिए हमने जो आई बोल्ट फिक्स किया है शाफ्ट पे उसको हम खींचेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो जो गैप होगा हमारा बेयरिंग कवर का और जो रोटर शाफ्ट का वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसे हम उसने हमने बोला के वन, तो एल विल भी क्या होगा हमारा के माइनस के वन, ओके। जो नाउ दूसरी जो तीसरी क्लियरेंस है हमारी वो है हमारी एम क्लियरेंस। एम क्लियरेंस में हम क्या करेंगे, पहले हमने लेफ्ट साइड में पुल किया था, अब हम उसे पुश करेंगे राइट हैंड साइड में रोटर को, तो जो डिफरेंस हमारा जो डिस्टेंस होगा वो के टू हो जाएगा एंड डेट विल बी बिगर देन के वन। सो द एम क्लियरेंस विल बी के टू माइनस के, तो एम क्लियरेंस हमारी थी के टू माइनस के। अब ये तीनों क्लियरेंस की वैल्यूज हम चेक करेंगे और अगर ये प्रॉपर डायमेंशन में हमें फाउंड होती हैं तो इसका मतलब है कि रोटर और हमारा स्टेटर प्रॉपरली फिटेड है हमारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।